Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Krishi Valley. Today I'm going to discuss the role of NPK in plant growth and their deficiency symptoms. So before starting the video, I request you that if you are new on this channel, then please subscribe it and like and share this video too. So let's get started the video. First we discuss about what is plant nutrition. Plant nutrition is a study of chemical elements and compounds which are necessary for plant growth and metabolism. Basically, plant nutrients वो chemical compounds होते हैं जो plants की growth और metabolism में help करते हैं, उनको disease और pests से लड़ने की जो क्षमता है वो provide कराते हैं, plus उनके reproduction में help करते हैं. अगर ये plant nutrients plant में नहीं होंगे available, तो plants अपनी जो normal life cycle है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स नॉर्मल लाइफ साइकिल. द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्जर, स्मॉलर और इन ट्रेस क्वांटिटी. कोई भी न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स में, उसकी एक लिमिट सेट है. कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, कुछ कम अमाउंट में या फिर ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं. बेसिकली द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मेनली प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट होती है वो इन तीन न्यूट्रिएंट्स की होती है, एंड टुगेदर दे मेक अप द ट्रायोज नोन एज NPK. नाउ वी डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दे आर थ्री क्राइटेरियाज बेसिकली, एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वॉज गिवन बाय अर्नन एंड स्टाउट इन द ईयर 1939. अर्नन स्टाउट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बाद में 1954 में अर्नन ने इसको रिफाइन करके फिर से करा था. अर्नन और स्टाउट के टाइम पे टोटल जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे, जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, वो 16 थे. बट आज की डेट में टोटल 17 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और जो 17th वन है वो है निकल. अब ये क्राइटेरियाज़ क्या हैं, ये तीन क्राइटेरियाज़ हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला है, अ प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट. इसका मतलब क्या होता है, प्लांट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल से मतलब है यहाँ पे, दैट इज़ प्लांट्स हैव टू कंप्लीट देयर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस. तो यह लाइफ साइकिल, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा. सेकंड है, द एक्शन ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक. कोई भी एलिमेंट है प्लांट में, उसका जो एक्शन होगा, उसका जो भी रोल होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए. मींस अगर प्लांट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, इफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट इज मिसिंग और डिफिशियंट, देन नो अदर एलिमेंट कैन फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट. हमको वही पर्टिकुलर एलिमेंट को सप्लाई करना होगा. ओनली दैट पर्टिकुलर एलिमेंट मस्ट बी सप्लाई टू करेक्ट इट्स डिफिशियंसी. थर्ड पॉइंट है, द एलिमेंट मस्ट बी शोन टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स. मीन्स ऑफकोर्स वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्लांट्स के न्यूट्रिशन में भी इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स की. अर्नन और स्टाउट के टाइम पे टोटल 16 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, तो उन्होंने उसी के हिसाब से क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बताया था. लेकिन आज की डेट में टोटल 17 एसेंशियल प्लांट एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, और जो अभी हाल ही में 17th वाला प्लांट न्यूट्रिएंट जो डिस्कवर हुआ है वो है निकल. नाउ ये एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है. द फर्स्ट वन इज़ बेसिक न्यूट्रिएंट CHO, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली प्लांट्स को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, एंड दे आर नोन एज बेसिक एलिमेंट्स. NPK को हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट जो है मिनरल एलिमेंट्स. अब ये जो CHO है ये मिनरल्स में नहीं आते. CHO आर नॉट कंसिडर्ड अंडर मिनरल्स. मिनरल एलिमेंट्स कौन होते हैं, जनरली वो होते हैं जो सॉइल के थ्रू आयनिक फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं. ये जो CHO हैं ये सॉइल के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन, ये गैसेस फॉर्म्स हैं, तो ये एयर से इनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है, और जो हाइड्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है थ्रू वाटर. सो दे आर कंसिडर्ड एज बेसिक एलिमेंट्स.
जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो सॉइल से प्रोवाइड की जाते हैं, आयनिक फॉर्म में सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। इसमें अगेन दो कैटेगरी बनती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, दैट इज़ मोर देन 1 ppm। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, लेस देन 1 ppm, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की, उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो तीन होते हैं वो हैं NPK, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सेकेंडरी में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बट मेनली इस वीडियो में हम NPK के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि NPK के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। इसमें हमें तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस थ्री थिंग्स। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स बेसिक फंक्शन ऑफ NPK एंड हाउ इट अब्जॉर्ब इन द प्लांट्स थ्रू सॉइल एंड देयर मोबिलिटी, इनकी प्लांट्स में और सॉइल में कैसी मोबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का बेसिक फंक्शन होता है टू डेवलप हेल्दी फॉलिएज, मीन्स नाइट्रोजन पत्तों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, पत्तों की ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली हमारे प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, उसके लिए भी नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स की जो ग्रीन कलर है वो फेड हो जाएगा, उसमें क्लोरोसिस आ जाएगी, येलोइंग हो जाएगी। तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन सॉइल में कैसे प्लांट्स को अवेलेबल होता है, जनरली नाइट्रोजन की दो फॉर्म होती हैं, आयनिक फॉर्म, एक होती है नाइट्रेट और एक होती है अमोनियम। नाइट्रेट दैट इज़ NO3-, ये जो है अनायन फॉर्म है, और अमोनियम दैट इज़ NH4+, ये एक कटाइन फॉर्म है। ये दो फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल होती है। अब ये इनकी मोबिलिटी की बात करें तो जो NO3- है इट इज़ हाईली मोबाइल, और जो NH4+ इट इज़ लेस मोबाइल। इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब वो शॉर्टकट्स लेते हैं तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, दे आर हाईली मोबाइल, मतलब वो जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, हाईली मोबाइल। और जो पॉजिटिव होते हैं, आज की डेट में पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो यानी पॉजिटिव फॉर्म है लेस मोबाइल। तो यहाँ पे हम इसको ट्रिक के थ्रू थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि नेगेटिव फॉर्म सॉइल में हाईली मोबाइल होगी और नाइट्रोजन की जो पॉजिटिव फॉर्म है वो लेस मोबाइल होगी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो बेसिक फंक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रूट्स को डेवलप करना होता है। जनरली हमने बहुत पढ़ा था कि जितने भी लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं उनका डीप रूट सिस्टम होता है, बिकॉज उनको फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बिकॉज फॉस्फोरस रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, प्लस नोड्यूल फॉर्मेशन में भी फॉस्फोरस हेल्प करता है। फॉस्फोरस जनरली दो फॉर्म्स यहाँ होती हैं, आयनिक फॉर्म, दैट इज H2PO4- एंड HPO42-। फॉस्फोरस इन दो फॉर्म्स में सॉइल में अवेलेबल होता है, और ये दोनों ही फॉर्म की अगर हम बात करें सॉइल में, तो ये दोनों ही फॉर्म जो हैं इमोबाइल हैं। नाइट्रोजन में अगर हमने बात की तो एक हाईली मोबाइल था, एक लेस मोबाइल था, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो इमोबाइल होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ पोटेशियम। पोटेशियम का जो बेसिक फंक्शन है वो है हेल्दी ग्रोथ। पोटेशियम प्लांट्स की ओवरऑल हेल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पोटेशियम जनरली K+ फॉर्म में, यानी आयनिक फॉर्म में प्लांट्स को अवेलेबल होता है थ्रू सॉइल। इसकी मोबिलिटी की बात करें तो ये भी लेस मोबाइल होता है, K+, इट इज़ यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है। नाइट्रोजन में भी जो पॉजिटिव था वो लेस मोबाइल था, और पोटेशियम भी जो पॉजिटिव है वो लेस मोबाइल है। तो यहाँ पे भी हम याद कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो लेस मोबाइल रहेगा। सो इस फिगर के थ्रू हमने इसका बेसिक फंक्शन और उनकी मोबिलिटी के बारे में देखा। तो हमने NPK की जो मोबिलिटी थी वो सॉइल के टर्म्स में डिस्कस कर ली, लेकिन अगर प्लांट के टर्म्स में डिस्कस करें तो NPK आर हाईली मोबाइल इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये हाईली मोबाइल होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल इज ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज अबाउट 95-99% नाइट्रोजन इज मेनली अवेलेबल बाय ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक RNA एंड DNA, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंड इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एज अ सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट।
बेसिकली नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत इसेंशियल रोल प्ले करती है, बिकॉज नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक पार्ट है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लोरोफिल तो बेसिकली नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट की जो विग्रस ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। एक नॉर्मल हेल्दी प्लांट्स में जो नाइट्रोजन कंटेंट होना चाहिए वो 1 to 5% होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द रोल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की जो अवेलेबिलिटी थी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था कि फॉस्फोरस दो फॉर्म्स में हमने पढ़ा था, H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। ये फॉर्म्स कब अवेलेबल होंगी ये डिपेंड करती हैं सॉइल की जो पीएच होता है उस पे। अगर सॉइल का पीएच एसिडिक होगा तो H2PO4 नेगेटिव फॉर्म डोमिनेट करेगी, और अगर सॉइल का पीएच लेस एल्कली टू न्यूट्रल के आसपास होगा यानी अराउंड 6 to 7 के बीच में अगर सॉइल पीएच होगा तो जो फॉर्म सॉइल में अवेलेबल होगी फॉस्फोरस की वो होगी HPO4 2 नेगेटिव। अब ये तीसरी फॉर्म है PO4 3 नेगेटिव, ये फॉर्म कब अवेलेबल होगी, जब मोर एल्कलीन यानी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होगी यानी सॉइल का पीएच 8 से ज़्यादा होगा तो PO4 3 नेगेटिव फॉर्म जो होगी डोमिनेट करेगी। अब फॉस्फोरस क्या रोल प्ले करता है, फॉस्फोरस को की ऑफ लाइफ बोलते हैं प्लांट के केस में, बिकॉज विदाउट दिस विदाउट फॉस्फोरस प्लांट्स कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। प्लांट्स अपनी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्टेजेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा विदाउट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन, फॉस्फोलिपिड एंड ATP। ATP जनरली एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, साथ में ये एनर्जी को स्टोर और ट्रांसफर भी करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी। यानी फॉस्फोरस को की ऑफ लाइफ के साथ साथ एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। फंक्शंस की बात करें तो फॉस्फोरस का मेन फंक्शंस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका बेसिक फंक्शन है रूट डेवलपमेंट, प्लस ये नोडुल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट इंक्रीज द रेशियो ऑफ ग्रेन भूसा यानी ग्रेन यील्ड को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है। और इसका एक और फंक्शन है दैट इज़ डिक्रीज लॉजिंग। लॉजिंग में क्या होता है, हाई विंड वेलोसिटी की वजह से प्लांट्स जो होता है वो एक डायरेक्शन में गिरने लगता है, दैट इज़ लॉजिंग। इसकी वजह से यील्ड रिड्यूस भी हो जाती है। तो बेसिकली फॉस्फोरस क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाएं, और अगर विंड वेलोसिटी तेज आएगी तो प्लांट्स जो है लॉज ना कर सके। तो ये फंक्शन होता है फॉस्फोरस का। और जनरली सॉइल में ऐसा देखा गया है कि जब फॉस्फोरस अगर एक्सेस हो जाएगा, हाई अमाउंट हो जाएगा एकदम एक्सेस, तो उस टाइम पे आयरन और जिंक का कंटेंट लो हो जाएगा, और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन रही तो आयरन और जिंक डेफिशिएंट भी हो सकता है। तो इसीलिए एक हेल्दी प्लांट में जो फॉस्फोरस का कंटेंट होना चाहिए वो 0.1 to 0.4% के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस द रोल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के बेसिक फंक्शंस होते हैं स्टोमेटा रेगुलेशन, यानी जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसको रेगुलेट करने में पोटेशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में इट कॉन्ट्रैक्ट्स द इंजीरियस इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन प्लांट्स। जब प्लांट्स में नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके कुछ इंजीरियस इफेक्ट भी होते हैं, उसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पोटेशियम अपना रोल प्ले करता है। पोटेशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो डिसीज रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। लाइक कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टार्च शुगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसके ट्रांसलोकेशन के लिए भी पोटेशियम हेल्प करता है। लाइक इट रिक्वायर इन लार्ज क्वान्टिटी इन पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड बनाना, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ऑस्मोटिक रेगुलेशन एंड अवॉइड स्ट्रेस इन प्लांट्स। जनरली जो ड्राई और ड्राउट कंडीशन आती है तो उस टाइम पे प्लांट्स का सारा मॉइस्चर लॉस हो जाता है, और उस टाइम पे पोटेशियम क्या करता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का रोल प्ले करता है और प्लांट्स को स्ट्रेस कंडीशन से अवॉइड कराता है। यानी ये प्लांट्स को ड्राई कंडीशन में स्टे करने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ पोटेशियम रिफर्ड एज क्वालिटी न्यूट्रिएंट। इसको हम क्वालिटी न्यूट्रिएंट बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी, ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टोबैको लीव्स होती हैं, टोबैको में मेनली वो लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसकी लीव्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पोटेशियम हेल्प करता है। प्लस फाइबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव बाई
पोटेशियम, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है सिट्रस। जो सिट्रस की स्पीशीज़ होती हैं उनमें अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे पोटेशियम एक बैड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है इन सिट्रस। इफ़ द पोटेशियम कंटेंट इज़ वेरी हाई देन इट क्रिएट बैड इफ़ेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ सिट्रस। अब पोटेशियम जो है इसके को न्यूट्रेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इन को न्यूट्रेंट्स के बिना जो पोटेशियम है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और एक हेल्दी प्लांट में पोटेशियम कंटेंट होता है 0.1 to 0.5%। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एनपीके इन प्लांट्स। बेसिकली जो एनपीके इन तीनों की जो डेफिशिएंसी होती है वो प्लांट्स की जो ओल्डर लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स में ये डिफिशियंसी सिम्टम्स शो होते हैं। जनरली जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है उनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स में कोई डेड स्पॉट्स नहीं बनते, और नाइट्रोजन की जो डेफिशियंसी होती है उसकी वजह से जो वेन्स होती हैं उनका कलर येलो हो जाता है। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी प्लांट्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी। एंड द अपीयरेंस ऑफ लाइट ग्रीन टू पेल येलो कलर ऑन द ओल्डर लीव्स। हमने पहले पढ़ा कि एनपीके की डिफिशियंसी ओल्डर लीव्स में आती है, तो ओल्ड लीव्स का जो एजेस वाला पोर्शन होगा वो पेल येलो होने लगेगा, क्लोरोसिस हो जाएगी। स्पेशली ये क्लोरोसिस स्टार्ट होगी टिप्स से बाद में बेस तक पहुँच जाएगी। और अगर सीवियर कंडीशन रही तो लीव्स क्या होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, यानी पत्ते झड़ना भी शुरू हो सकते हैं। नाइट्रोजन डिफिशियंसी प्रोवोक्स द सिंथेसिस ऑफ एंथोसियानिन, और ये एंथोसियानिन क्या करेगा प्लांट्स में डिफरेंट कलरेशन भी शो कर सकता है। और अगर सीवियर और एक्यूट डिफिशियंसी बनी रही तो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है वो भी नहीं होगी, फ्लावरिंग भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस। अगेन यहाँ पे भी प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, जैसे नाइट्रोजन के केस में प्लांट स्टंट हो गया था, छोटा हो गया था, यहाँ पे भी स्टंटेड अपीयरेंस दिखाई देगी। प्लस द मैच्योर लीव्स हैव कैरेक्टरिस्टिक डार्क टू ब्लू ग्रीन कलरेशन। नाइट्रोजन डिफिशियंसी में जो कलर आते हैं वो येलो कलर आ रहा था, टिप्स में आ रहा था, उसके बाद में बेस में आ जाता था। फॉस्फोरस की डिफिशियंसी के टाइम पर जो कलर डेवलपमेंट होता है वो ब्लू, डार्क ब्लू से ग्रीन कलरेशन हो जाता है। और बेसिकली हमने पढ़ाया था कि फॉस्फोरस का मेन रोल होता है रूट डेवलपमेंट के लिए। अब क्या होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा, डेफिशिएंट होगा, तो रूट्स का डेवलपमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। और अगर एक्यूट डिफिशियंसी बनी रही तो प्लांट्स का जो कलर है वो पहले तो स्टार्टिंग की डिफिशियंसी में ब्लू ग्रीन कलर था, लेकिन अगर ये डिफिशियंसी ज़्यादा टाइम तक रही तो कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इट अपीयर्स पर्पल, तो पूरा का पूरा लीव्स और स्टेम पर्पल हो जाएगा। डिले मैच्योरिटी एंड पुअर सीड्स एंड फ्रूट डेवलपमेंट, बाद में जो सीड्स हैं वो भी पुअर डेवलप होंगे और फ्रूट डेवलपमेंट भी पुअर हो जाएगा। नाउ एट लास्ट वी डिस्कस द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की डिफिशियंसी भी ओल्डर लीव्स में आती है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स का मार्जिन होगा उसमें पहले क्लोरोसिस स्टार्ट होगी, यानी वो पोर्शन येलो हो जाएगा मार्जिन वाला। उसके बाद स्कॉर्चिंग हो जाएगी, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है ड्राइंग ऑफ लीव्स, पत्ता एकदम पहले पीला पड़ जाएगा उसके बाद ड्राई हो जाएगा। और ये अगर सीवियर कंडीशन बनी रही तो टिप्स में भी ब्राउनिंग होने लगेगी, पहले येलो ही हो जाएगी उसके बाद ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाएगा। दिस सिम्टम्स दैन ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव इनवर्ड, उसके बाद ये पहले तो मार्जिन में थे सिम्टम, धीरे धीरे पूरी लीव्स के बीच में आ जाएगा और पूरी लीव्स जो होगी वो क्लोरोटिक और ब्राउनिंग हो जाएगी उसकी। अगेन यहाँ पे भी ग्रोथ जो है प्लांट की स्टंट हो जाएगी, स्टॉक्स वीकन एंड प्लांट लॉज ईजली। हमने पोटेशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था कि लॉजिंग को प्रिवेंट करता है, स्टॉक को, जो भी स्टॉक या स्ट्रॉ बोलो, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और प्लांट जो है वो ईजिली लॉज हो जाएगा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये लॉजिंग इफेक्ट जो है पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे ग्रेन्स या फ्रूट्स हैं वो श्रिवल्ड हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स अपने नॉर्मल साइज रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे और श्रिवल्ड हो जाएंगे।